हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अमृताज किचन। आज हम बनाएंगे मूज पेस्ट्री, इसको आप केक भी बोल सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट केक, फिर बनाएंगे डार्क चॉकलेट गनाश और फाइनली हम व्हिप्ड क्रीम के साथ बनाएंगे अपनी चॉकलेट मूज। तो रेसिपी बहुत सिंपल है, ईजी है और मूज बनाने के लिए हमें बस दो ही इन्ग्रीडियंट चाहिए होंगे, व्हिप क्रीम और डार्क चॉकलेट। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी और आप इस केक को ज़रूर घर पे बनाएंगे। तो उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। अपनी चॉकलेट स्पंज बना के तैयार करेंगे। ये एगलेस रेसिपी है इसलिए हम लेंगे दही। अगर दही नहीं लेना चाहते हैं तो आप 3 फ्लैक्स एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी। और लेंगे थोड़ी सी ब्राउन शुगर और थोड़ी सी वेजिटेबल ऑयल, मैंने कैनोला ऑयल लिया है। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। डन। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जैसे कि मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और चॉकलेट केक है तो कोको पाउडर, मैंने 3 चम्मच लिया है, मुझे थोड़ी डार्क कलर पसंद है। और फिर इन सबको अच्छे से छान के मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी गर्म दूध भी इसमें मिलाएंगे ताकि सारे ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। एक स्पैचुला से फाइनल मिक्स दे देंगे और फिर इस मिक्स को हमें एक 9 इंच की केक मोल्ड में, जो कि स्क्वायर भी हो, बेक करनी है। मैं अपने केक को ओवन में बेक करने वाली हूँ और आप इसे गैस पे भी पका सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पे है। 25 मिनट लगे हैं मुझे केक को पकाने में। अब इसे हमें मोल्ड से निकालनी पड़ेगी ताकि हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर सकें। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी मूज तैयार कर लेंगे। तो पहले बनाएंगे गनाश। इसके लिए हमें एक डबल बॉयलर का इस्तेमाल करनी है। पहले हम 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको गर्म करेंगे। पर क्रीम को हमें ना बहुत ज़्यादा देर तक पकानी नहीं है, बस जैसे ही थोड़ी लिक्विडी हो जाए ऐसे, तो हम इसमें मिला देंगे चॉकलेट। मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड का इस्तेमाल किया है और चॉकलेट के साथ बस 5 से 10 सेकंड ही हमें चलानी है। और फिर हम क्रीम को वेपर से हटा लेंगे और इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चॉकलेट पिघल जाए। और फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स करनी है और सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी लेनी है। अब मूज के लिए हमें क्रीम को व्हिप करनी होगी, तो 1/2 कप चिल्ड क्रीम लेनी है और विस्कर से या इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। लो स्पीड पे बीट करेंगे, 10 मिनट के आसपास टाइम लगती है लगभग कि स्टीफ पिक्स फॉर्म हो जाए। देखिए क्रीम इज परफेक्टली व्हिप। अब हमें व्हिप्ड क्रीम को गनाश में मिक्स करनी है थोड़ा थोड़ा करके। This is the most exciting part. Mousse is getting ready. I love mixing chocolate and cream. Just look at the color change. मेरे मुंह में तो पानी आ गया। वैसे अगर आपको मूज पसंद है तो आप मेरी मोका मूज वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। और हम बाकी के क्रीम को भी अच्छे से मिला लेंगे एंड आवर चॉकलेट मूज इज रेडी। चलिए अब मूज केक तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं चॉकलेट स्पंज को 2 हिस्से में डिवाइड करने वाली हूँ। डन, ऑल रेडी। बस अब केक पे आइसिंग करेंगे। मैंने एक 9 इंच की केक मोल्ड लिया है और इस पर क्लिंग रैप लगाई हुई है ताकि हमें केक को बाहर निकालने में आसानी हो। इस पर केक की एक लेयर और उसके ऊपर चॉकलेट सिरप ब्रश करेंगे। मैंने 1 चम्मच चॉकलेट सिरप को 4 चम्मच पानी में मिक्स करके इस्तेमाल किया है। और फिर इसके ऊपर हमें मूज की एक लेयर बनानी है और बस इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे कोने कोने में। और कोई मेहनत नहीं करनी है क्योंकि हम केक को फ्रिज में सेट करेंगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगी। फिर इसके ऊपर केक की लेयर, और इसको भी भिगा देनी है बिल्कुल। और फिर इसमें मूज की फाइनल लेयर डालेंगे।
एंड डन। अब हमें केक को फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में रखनी है कम से कम 2 घंटे के लिए ताकि मूस अच्छे से सेट हो जाए। टेंशना, केक अपनी अच्छे से सेट हो चुकी है तो सर्व करने के लिए हमें केक को मोल्ड से निकालनी पड़ेगी बाहर और मैं इसके एजेस को थोड़ी ट्रिम कर लूँगी ताकि पेस्ट्री में लेयर्स अच्छे से दिखे। डन, मैं आपको केक की चारों तरफ की लुक दिखाती हूँ। देखिए लेयर्स अच्छे से विजिबल है। अगर आपको पेस्ट्रीज की टॉप फ्लैट चाहिए तो आप एक ऑफसेट स्पैचुला को गर्म पानी में डिप करके ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से फ्लैट सरफेस हो जाए। और फिर अपने पेस्ट्रीज को कट कर लेंगे। मैंने रेक्टेंगुलर शेप रखी है और थोड़ी सी मूज मैंने बचा लिया था जिसे मैं फ्लावर्स बना रही हूँ। एंड आवर मूज पेस्ट्री इज सर्व्ड। Do try this soft, creamy and chocolatey mousse pastry at least once. You will definitely enjoy it. Bye-bye.